हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग मैंने लंच के टाइम से शुरू किया है और अब मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं रफली ही, मोटे मोटे से, और जो है अब मैं टमाटर भी इसी तरह से यहाँ पर कट करने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता की सब्ज़ी, और लौकी भी रखी हुई है यहाँ पे, तो लौकी का बनेगा रायता। तो बहुत ही टेस्टी सा लंच आज बनाने वाली हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे जो मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये सब मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया है और यहाँ पे बस जो है अब इसको मैं छील लेती हूँ। छीलने के बाद लौकी को करना है ग्रेट और हल्का सा कर लेना है बॉयल। तो इसको मैं कुकर में ही एक सीटी लगवाने वाली हूँ। वैसे तो ये खुला भी हो जाता है, लेकिन मैं कुकर में बस एक सीटी लगवाऊँगी, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है घी, और घी में डाल दिया है थोड़ा सा जो है खड़े मसाले, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, 3-4 लौंग है, 1 तेज़पत्ता है और 3 हरी इलायची हैं। काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं, तो वो मैंने नहीं डाली है। और जीरा डाला है आधा चम्मच के करीब, हल्का सा जीरा हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फिर साथ में ही ऐड कर दी हैं ये प्याज। तो यहाँ पे प्याज को हल्का सा भूनूंगी, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। साथ में ही ऐड कर दूंगी इसमें टमाटर, तो ये टमाटर भी, हरी मिर्च भी, मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। और ये फिर हमें जो मसाला है वो पीसना है, इसकी प्योरी बनानी है, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ रफली ही चॉप किया था। और इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, जिससे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और प्याज। अच्छे से इनको मिक्स कर रही हूँ, और थोड़े से इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट, थोड़े से मैंने डाले हैं काजू, और थोड़े से डालने वाली हूँ बादाम। आप चाहें तो काजू काजू डाल सकते हैं, इससे और जो है इसका जो ग्रेवी है वो रिच हो जाएगी और थोड़ी सी क्रीमी भी हो जाएगी। तो मलाई कोफ्ता है तो थोड़ा सा तो स्पेशल बनना है, तो बस इसको कवर कर देती हूँ मीडियम आँच करके। ये मसाला हमारा जो है पकता रहेगा, भुनता रहेगा, और जब तक यहाँ पे ये ग्रेट कर दी है लौकी, तो इसको मैं डाल देती हूँ कुकर में और एक सीटी लगवाऊँगी। वैसे तो हो जाती है ये खुली करके भी अगर कढ़ाई वगैरह में करते हैं, लेकिन बस मैं फटाफट से एक सीटी लगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा भी होना है। बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा पानी और लेट लगा के एक सीटी आएगी, तो लौकी का रायता बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। एक सीटी के बाद उसको मैं छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए, बाहर निकाल लूँगी कुकर से। और ये भी हमारा लगभग मसाला जो है हो ही चुका है, टमाटर प्याज भून चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और इनको मैं यहाँ पे भूनने वाली हूँ। तो ये देखिए कुछ देर बाद और ये बहुत ही अच्छे से मसी से हो गए हैं, बहुत ही अच्छे टमाटर प्याज गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब तक थोड़ी सी अपनी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ साथ साथ बन रही है, रायता भी और मलाई कोफ्ते भी। तो यहाँ पे ये मैंने लिए हैं आलू, और ये पनीर है जो कि ग्रेट करा है, आलू भी ग्रेट ही करे हैं, और क्वांटिटी इनकी मैंने हाफ हाफ लगभग रखी है। थोड़ा बहुत हो सकता है आलू ज़्यादा हो, क्योंकि आलू में थोड़ा सा वेट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वैसे देखने में जो क्वांटिटी है वो बराबर ही रखी है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बहुत ही ऊपर तक भर के डाला है इसमें मैदा, और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च, और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, और कुछ ज़्यादा मसाले इसमें मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। और ये चम्मच से तो होगा नहीं, तो इसको कर लेते हैं अच्छे से हाथ से मिक्स। अब मैं यहाँ पे जो है इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी क्या, साथ साथ इसके कोफ्ते बना लूँगी। और जो ग्रेवी है वो मैं ठंडे होने के लिए छोड़ दिया, तो वो पिस जाएगा पेस्ट, ग्रेवी बनाऊँगी मैं बाद में। अब मैं साथ साथ यहाँ पे ये बॉल्स बना रही हूँ, और ये आप छोटे बड़े साइज़ के जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े बड़े ही रखे हैं। और जो हमारा मिक्सचर है सॉफ्ट तो बहुत है, बहुत ही अच्छा बना है, और बाइंडिंग भी अच्छे से हो रही है, लेकिन जो मिस्टेक मुझसे हुई है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। और मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है, और जो है साथ साथ आपको टिप्स भी दूँगी। तो ये देखिए,
बॉल्स हमारी अच्छी खासी बन चुकी हैं। ऑयल हल्का गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल लो मतलब आंच रखनी है इसके नीचे, और मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे इनको धीरे धीरे करके सेकना है। तो अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था अब तक, तो वो मैंने यहाँ पे कैमरा लगा के रखा हुआ है अभी तक, तो सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ये पकने शुरू हुए तो ये थोड़ा थोड़ा ना मतलब बिखरने लगे, मतलब जैसे कि बाइंडिंग इनमें थी नहीं, लेकिन पहले तो अच्छे से राउंड थे। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ था ये देखिए, फिर मैंने वो क्लिप कट कर दी थी, तो ये मैंने बाहर निकाल लिए हैं। कलर तो बहुत अच्छा गोल्डन आ चुका है, लेकिन ये हल्के हल्के ना खुलने लगे थे। खुशबू टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं था। और ये है मेरा दूसरा बैच जो कि मैं क्लिप चलाना यहाँ पे भूल गई थी, और ये मैंने डाल दिया है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया कि इस बार ऐसा ना हो जो गलती पहली बार हुई है, मैदा मेरा कम था तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मैदा डालना था। मैंने सोचा कहीं मैदे का फ्लेवर ज़्यादा ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें मैंने फिर 1 चम्मच और मैदा मिलाया है हाफ में, तो मतलब जितनी पूरी क्वांटिटी थी ना, ये उसमें 3 चम्मच मैदा या फिर 2 से ज़्यादा मतलब 2-2.5 चम्मच मैदा चाहिए था। मैंने बस 1 चम्मच फुल भर के डाला था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कितने अच्छे प्यारे प्यारे हमारे कोफ्ते बन गए हैं, और बिल्कुल भी नहीं खिले। तो इसमें हल्की सी मैदा की कमी रही थी, बाकी कुछ भी नहीं डाला जाता है, मैदा हो आप कॉर्नफ्लावर जो भी डालना चाहें, लेकिन मैंने मैदा ही डाला है। तो ये देखिए कोफ्ते तो बन के हो गए हैं रेडी, और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है। और जो ये ऑयल में नीचे देख रहे हैं ना, तो वो पहले वाले का है जो हल्के से खुल गए थे, ये देखिए। बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं है, इनमें भी अच्छे हैं, टेस्ट भी वही है, लेकिन बस देखने में सुंदर नहीं लग रहे। और ये देखिए ये किस तरह से बॉल टाइप हैं, बिल्कुल बॉल्स से बने हुए हैं, और कलर तो इतना प्यारा गोल्डन आया है इनके ऊपर। तो यहाँ पे वो तो मेरा काम हो गया है कंप्लीट। अब मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, और उसमें डाला है मक्खन। मक्खन है ये घर का जो कि मैं घर पे बनाती हूँ, तो ये रखा हुआ था तो मैंने यही ऐड कर दिया है। मैंने चलिए यही यूज़ कर लेते हैं। मलाई कोफ्ता है, इसमें मैं ऑयल का यूज़ नहीं कर रही, आप चाहे तो ऑयल में भी कर सकते हैं। और जैसे ही मक्खन मेल्ट हो गया है, फिर मैंने उसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये जो मसाला भून के रखा था उसकी प्योरी ऐड कर दी है। अच्छे से इसको चलाना है, बस मिक्स करना है, क्योंकि मसाले सारे इसके अंदर जा चुके हैं पहले ही। और हाँ, वो मैं बताना भूल गई, अगर आप खड़े मसाले निकालना चाहें, हल्का फ्लेवर रखना चाहते हैं बहुत ही लाइट सा, तो आप खड़े मसाले निकाल दें। थोड़ा तेज़ सा रखना चाहते हैं तो मसाले आप पीस लें उसके अंदर, तो वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे दालचीनी तो निकाल दी थी, और तेज़पत्ता, बाकी जो छोटे मसाले थे, लौंग था और इलायची, वो पिस गए थे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से कर दूंगी मैं मिक्स। थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, मिक्सी में बहुत सारा ये जो है मिक्सचर लगा हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी थिक था, पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था। तो इसको चलाते हुए यहाँ पे देखिए बॉयल आ गया है साथ साथ ही। इसको मैं कर देती हूँ कवर, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी थिक सी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे दही ले ली है, इसको हल्का सा मैंने चला लिया है, और अंश को इसका शौक चढ़ा था तो अंश ने किया है इसको, इससे मैं तो करछी से ही कर रही थी, लेकिन नहीं मम्मी मैं इससे करूँगा, मैंने चल कर। तो यहाँ पे ये कर रहा है धीरे धीरे बहुत ही, और आज फिर जो है इसका एक नेल्स दिखने वाला है आप लोगों को। तो अभी तो एक ही नेल्स है, बाकी सब कट कर रखे हैं, तो अब स्कूल शुरू होगा तो ये भी कट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो है दही भी हमारी हो चुकी है, और ये लौकी है जो ठंडा हो गई थी, इसका मैंने पानी निचोड़ दिया था। पानी निचोड़ के रायता बनाते हैं तो रायता टेस्टी लगता है, पानी के समेत मत डालिएगा तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा रायते में। तो पानी निचोड़ के ठंडा करके मैंने रख लिया था, और बस दही में इसको मिक्स कर दिया है। लौकी का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है, और यहाँ पे बारीक बारीक मैं हरी मिर्च इसमें कट करके डाल रही हूँ साथ साथ ही, और बस थोड़ा सा इसमें जो है फिर तड़का वगैरह लगाएंगे तो रायता भी हमारा रेडी हो जाएगा। और चावल भी बनाए हैं मैंने साथ में, तो रायता, चावल, मलाई कोफ्ता। इसमें नमक डाला है, और जो है पुदीना डाला है, और हरी मिर्ची, बस। बाकी मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मसाले, सिंपल बिल्कुल रायता बनने वाला है। बस इसमें तड़का लगाऊंगी राई का, मतलब सरसों का। और ये रेसिपी है मेरे मायके की फेवरेट रेसिपी। मेरे बाबा जी थे उस टाइम, तो रायता उनको बहुत पसंद था, तो तब हमारे यहाँ पे बहुत रायता बनता था लौकी का, और उसके साथ बनती थी रोटी। लेकिन मेरे ससुराल में बनते हैं रायते के साथ चावल।
तो यहाँ पे राई का तड़का तैयार हो गया है और बस इसको मैंने कवर कर दिया है। लेकिन जो मेरा कवर है वो फिसल रहा था, और जब गांव में रायते में तड़का लगाते थे ना तो वो आग जलने वाला लगाते थे, जब इसमें आग जल जाती थी तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू होती थी। ग्रेवी हमारी यहाँ पे पक चुकी है, अब मैंने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। और टेक्सचर तो आप इसका देख ही रहे हैं कितना क्रीमी सा हो रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करी है क्रीम, और बस ये इस बार क्रीम रखी हुई थी, ग्रोसरी के साथ आई थी तो मैंने यही डाल दी है, नहीं तो मलाई फैट के मैं डाल लेती हूँ, वो भी यही काम करती है। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और क्रीम मैंने थोड़ी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर क्रीम का ही मतलब बहुत ही क्रीमी हो जाती है। तो कलर देखिए कितना प्यारा आया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा और पकने के लिए छोड़ देते हैं, ग्रेवी हमारी हो जाएगी रेडी 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ग्रेवी तो हो चुकी है बिल्कुल तैयार, और ये कोफ्ते मैंने इसमें लगा लिए हैं क्योंकि कढ़ाई में सारे डाल दूंगी ना तो वो फूट जाएंगे। तो सर्विंग करके आपको दिखा देती हूँ टेस्टी वाले। इस तरह से कोफ्ते लगा के उसके ऊपर से ग्रेवी डाल देनी है और बहुत ही टेस्टी से मलाई कोफ्ता बन के रेडी है, जो आप चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। और मैं जो है ये कोफ्ता आपको दिखाना भूल गई थी, इसकी सॉफ्टनेस, कितना सॉफ्ट ये कोफ्ता बना था कि बस पूछिए मत, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला कोफ्ता। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं फिर से क्रीम, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड टेस्टी हमारा कोफ्ता तैयार है। कुछ मैं यहाँ पे कढ़ाई में ही डालने वाली हूँ क्योंकि उसमें तो सारे आएंगे नहीं, और फिर जो है सर्विंग करते हैं, और इनका लंच जाएगा, आंच देने जाएगा तो वो पैक कर देती हूँ। लंच थाली लग चुकी है, चावल मैंने बना दिए थे जैसे कि आपको बोला था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और फुलके भी सेक दिए हैं, और ये पापड़ जो कि मैंने गैस पे ही भुने हैं, ऑयली नहीं है, रायता और कोफ्ता। तो आ जाइए इस टेस्टी सी थाली को आप लोग भी एंजॉय करिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। हेलो एवरीवन, आज जाके जब से मैंने व्लॉग शुरू किया है अब आपसे मिली हूँ, और अब बज रहे हैं 4:15, तो अब जाके आपसे मिली हूँ। बीच में रेस्ट करने लगी थी, और आज जो आज फिर किचन वगैरह मैंने क्लीन करी थी, बर्तन वगैरह, तो उसका मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि खाना थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया था, तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो इसलिए मैंने कुछ भी ज़्यादा फिर रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर बीच में मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करे, वो डेली का ही अपना काम होता है। ये देखिए ये रखे कपड़े फोल्ड मेरे, तो ये मैंने किए। और जो है मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो कट करके रखे हैं, सारा काम तैयार कर लिया है। अब मैं चलूँगी किचन में मैंगो शेक बनाने के लिए। अंश है बर्तन कर रहा है, अंश क्या तोड़ रहा बेटा? वो पानी की बोतल भर रहा, क्योंकि वो पानी की बोतल भर रहा। आज हम जल्दी जाएंगे शॉप पे, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, आज मैं जो है दोपहर पहले नहीं जा सकी, काम ज़्यादा था, टाइम नहीं लगा, तो इसलिए अब थोड़ा जल्दी जाएंगे। और जब तक जो है टाइम होता है, वैसे तो हम 5:30 पे जाते हैं, इतनी गर्मी में, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, पूछिए मत। तो बस जब तक सोच रही हूँ कि जाके ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तब तक तो ये होने वाला है, लेकिन उससे पहले चलती हूँ किचन में मैंगो शेक बनाने के लिए। पापा ने बोला आज मैंगो शेक बनाने के लिए, क्योंकि घर के जो मैंगो आए थे ना तो वो पक गए हैं, 2 दिन में ही पक गए, इतनी गर्मी हो रही है, 3 दिन में कल से पके रखे हैं, तो ये करना है। और जो है खोया रखा है मेरे घर का, आया अब तक मेरे मायके से जो खोया आया था, अभी तक कुछ नहीं करा, बस उसी दिन फ्रिज में रख दिया था लाके, और ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता कैसे करूं, तो उसका भी मुझे करना है। तो अब मैं चलती हूँ, क्या हो रहा है, तो अब मैं चलती हूँ किचन में मैंगो शेक बनाने के लिए, और फिर जाऊँगी मैं शॉप में। तो चलिए बना लेते हैं हम जो है मैंगो शेक, अभी मैं अंदर ही थी। Thank you.
मैंगो वगैरह सब तैयार रखे थे छिलके कट के, और बस फटाफट से अब जो मैंने जो है इसमें दो चीनी डाल के मैंगो शेक बना दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि फिर जाना है शॉप पे और मैंगो शेक आप लोग पी लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि आजकल मैंगो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।